चार ग्राम की धरती से पश्चिम बंगाल के सभी जनों को जय श्री राम। और स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। नमस्कार। हमारे गांव में हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती थी और आपको भी सिखाई गई होगी, बच्चे बच्चे को सिखाई जाती है कि जब भी डर लगे भगवान राम का नाम ले लो। हमें बचपन में कई कहानियां भी सुनाई गई होंगी जब हमें बताया जाता था कि बरगद के पेड़ पर भूत रहता है, रात में 12 बजे के बाद भूत निकलता है और बच्चों को पकड़ लेता है, वगैरह वगैरह डर दिखाया जाता था जिससे बच्चों को जैसा चाहते वैसे उनकी बात मनवा लेते। बाद में इस डर से निकलने का रास्ता भी बताया जाता था कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, भगवान राम का नाम लेते ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। इन दिनों भगवान राम का नाम सुनते ही कुछ लोग नंगे पांव सड़क पर भागने लगते हैं, कुछ लोगों की दुकान ही भगवान राम को बदनाम करके चलती है। इन दिनों भगवान राम का नाम लीजिए तो कुछ लेफ्ट लिबरल और ममता बनर्जी जैसे नेता भूत की तरह दौड़ने लगते हैं। जय श्री राम का नारा तो उस धुएं की तरह काम करने लगा जिससे भूत भगाया जाता है, ठीक वैसा ही काम करता है। आप चाहें तो टीवी सीरियल में भगवान राम का नाम लेते ही भागते भूतों की हालत देखकर कल्पना कर सकते हैं कि लेफ्ट लिबरल्स की हालत क्या हो गई होगी। हालत तो ये हो गई है कि जय श्री राम का नारा सुनकर ही ममता बनर्जी नंगे पांव सड़क पर दौड़ने लगती हैं। देश के इमाम हिंद कहलाने वाले भगवान राम का नाम लेते ही अपने देश में जेल हो जाती है और FIR दर्ज हो जाती है और किसी राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है। जी हाँ, ये सब कुछ अपने ही भारत में होता है और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में। देश को साहित्य और कला की क्रांति देने वाले बंगाल में वहां की सरकार ने हिंदुओं के सबसे बड़े इष्टदेव का सरेआम अपमान किया है और सिलसिला अब तक जारी है। हुगली जिले के स्कूल में परीक्षा के दौरान छात्रों से अजीब सवाल पूछे गए। छात्रों से पूछा गया कि जय श्री राम के नारे से समाज को होने वाले दुष्परिणाम बताएं। इसी परीक्षा में कट मनी को लेकर भी सवाल पूछा गया, क्योंकि ममता सरकार ने हाल ही में कट मनी को लेकर एक बड़ा फैसला किया और तृणमूल के नेताओं को कट मनी लेने से इनकार करने को कहा था। स्कूल के टेस्ट में पूछा गया कि कट मनी लौटाने के फायदे बताएं और जय श्री राम का नारा लगाने के दुष्प्रभाव बताएं। इन दोनों सवालों को जोड़कर देखें तो छात्रों के दिमाग में तृणमूल की विचारधारा को गहराई से डालने की कोशिश की गई थी। हालांकि बाद में जब छात्रों ने सवाल उठाए तो शिक्षक ने महज माफी मांग ली, लेकिन यह पूरा मामला सिर्फ माफी से खत्म नहीं हो जाता, इशू बहुत सीरियस है। 24 परगना में जय श्री राम बोलने पर छात्रों की पिटाई कर दी गई। कुछ ही दिनों पहले का यह मामला है जब दक्षिण 24 परगना जिले में कुछ छात्रों की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। पिटाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने जय श्री राम बोला था। हालत इतनी खराब हो गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मध्य हावड़ा के श्रीराम स्कूल में भी जय श्री राम बोलने पर एक स्कूली बच्चे की पिटाई कर दी गई। उसमें पिटाई से इतना खौफ पैदा हो गया कि उसने स्कूल तक जाना छोड़ दिया। लेफ्ट लिबरल मीडिया की हेडलाइन सुनकर उसका दोहरा चरित्र खुद ब खुद आपके सामने नंगा हो जाएगा। उन्नाव में अगर किसी की पिटाई होती है तो हेडलाइन में लिखा जाता है जय श्री राम ना बोलने पर छात्र की पिटाई, लेकिन हावड़ा के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अगर जय श्री राम बोलने पर बेरहमी से पीटा जाता है और इतना पीटा जाता है कि वो स्कूल जाना तक छोड़ देते हैं, तब खबर की हेडलाइन बनती है जय श्री राम बोलने पर पिटाई, छात्र का आरोप। मतलब जय श्री राम बोलने पर अगर किसी की पिटाई होती है तो इसे आरोप बना दिया जाता है। पता नहीं हमारे अखबार और टेलीविजन वालों की आंखें, हृदय, दिल, कलम सब क्यों कांपने लगते हैं। तब उन सबको शांति, दोस्ती, प्रेम और सद्भाव क्यों नजर आने लगता है। मदरसे के छात्र अगर आपसी झगड़े को जय श्री राम से जोड़ देते हैं और इसका नाजायज फायदा उठाते हैं तो हमारा अखबार और टेलीविजन आंख बंद करके उनकी बातें मान लेता है, लेकिन हावड़ा में एक नाबालिग लड़का अपने शरीर पर उखड़े निशान को दिखाकर चीख चीख कर जय श्री राम बोलने पर अपने साथ हुई ज्यादती को बता रहा होता है तो उस वक्त लेफ्ट लिबरल मीडिया इसे आरोप साबित कर देता है। ऐसा करते हुए वो अपनी कुंठा बता रहा होता है, खास तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ उसकी कुंठा एक्सपोज हो रही होती है। एक राष्ट्र के तौर पर
एक परिवार के तौर पर आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को और प्रत्येक देशवासी को हृदयपूर्वक बहुत 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 बधाई देता हूं। साथियों, समाज जीवन में कुछ बातें समय के साथ इतनी घुलमिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों का एक प्रकार से मन में स्थायी भाव बन जाता है, स्थायी मान लिया जाता है। यह भाव आ जाता है कि कुछ बदलेगा ही नहीं, बस ऐसे ही चलेगा। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों की, हमारे बच्चों की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात यह है कि आप किसी से भी बात करें तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ। भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले 3 दशक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग, 42,000, यह आंकड़ा किसी की भी आंख में से आंसू ला देता है। 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। अब व्यवस्था की एक कमी दूर होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। साथियों, हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए काम करती है, किसी भी दल की सरकार हो।
किसी भी गठबंधन की सरकार हो, ये कार्य निरंतर चलता रहता है। कानून बनाते समय संसद में काफी बहस होती है, संसद के बाहर भी बहुत चर्चा होती है, चिंतन मनन होता है, उसकी आवश्यकता, उसके प्रभाव को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है वो पूरे देश के लोगों का भला करता है। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो कानून